अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मेरे पास मौजूद है रेमिंगटन का स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर भी आप इसको कह सकते हैं, एंड दिस इज़ आल्सो कर्लर। सो ये 2-in-1 स्ट्रेटनर है जिससे आप कर्ल्स भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं। आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि स्ट्रेटनिंग के बाद इसका क्या रिज़ल्ट है और कर्लिंग के बाद ये आपको कैसा रिज़ल्ट देता है। इसकी आउटर पैकेजिंग आप देख चुके हैं, ये कार्डबोर्ड के बॉक्स में है जिसके ऊपर इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे गए हैं। इसकी हाईएस्ट हीट की गई है 3 ईयर्स की, इसकी वारंटी है। इसकी प्राइस वगैरह जो भी है मैं लिंक शेयर कर दूँगी, वो आप वहाँ से वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2500 या 3000 का ये स्ट्रेटनर है। अच्छा जी, इंटरनली आप इसको देख सकते हैं, इसकी सिरामिक कंडीशनिंग प्लेट्स हैं जो कि आपको कर्ल करने में और स्ट्रेट करने में हेल्प करती हैं। इसी के साथ हमें ये टेम्परेचर सेट करने के लिए ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और आपको डिग्रीज में बताया गया है कि आप इसको इसका टेम्परेचर कितना सेट कर सकते हैं। 240 डिग्री सी इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ दिस स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर की वायर नॉर्मल है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा लंबी है, लेकिन इससे आपको ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है कि अगर आपकी सॉकेट जो है वो आपकी ड्रेसिंग से थोड़ा सा फासले पर है तो आपको वायर का इशू आ सकता है। मार्केट में स्ट्रेटनर्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसकी प्राइसेस हाई भी हैं, लो भी हैं एंड मीडियम भी हैं, लेकिन अगर हमें मीडियम और अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी के स्ट्रेटनर मिल जाते हैं सो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। सो एज़ यू कैन सी मैंने स्ट्रेटनर ऑन कर लिया है एंड 240 डिग्री सी पर मैं इसको प्री हीट कर रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ डेमो। ऑन ऑफ बटन को ही प्रेस करके आप इसका टेम्परेचर सेट करते हैं, टेम्परेचर सेट करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा जी, आप लोगों ने बालों की कंडीशन देख ली थी कि बाल किस तरह से थे, वेवी हेयर्स थे। अब हम इसको स्ट्रेट करके देखेंगे कि हमें कैसे रिजल्ट देता है। एक प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लग रही है वो ये है कि इसकी टिप भी आगे से बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है कि इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इसमें लग रहा है वो ये है कि समटाइम्स आप लोग भूल जाते हो और इसकी सिरेमिक प्लेट को हाथ लगा लेते हो। सो अगर आप अपना हाथ जलाना मैनेज कर सकते हो सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन स्ट्रेटनिंग ये अच्छे तरीके से कर रहा है और बालों को एक शाइन भी प्रोवाइड कर रहा है। बालों को स्ट्रेट करने से पहले मैंने हेयर प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगा दिया था, उसका वीडियो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। इसका एक और डिफ़ॉल्ट मुझे लग रहा है कि आपको बालों की एक साइड जो है वो बार बार स्ट्रेट करनी पड़ती है, जो कि मेरे ख्याल में हम किसी प्रोफेशनल स्ट्रेटनर से भी कर रहे हों तो हमें बार बार ही करना पड़ता है, लेकिन उससे एक दफ़ा करने में स्ट्रेट हो जाते हैं। इसको आपको 3-4 times करना पड़ता है तब जाके आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रेटनिंग रिजल्ट्स आते हैं। सो हम लोग इसका ये डिफ़ॉल्ट इग्नोर कर सकते हैं अगर हम इसको इसकी प्राइस से कंपेयर करें तो। अच्छा जी, ये आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रेटनिंग रिजल्ट और आप बालों का शाइन भी चेक कर सकते हैं जो इस स्ट्रेटनर के यूज के बाद आया है। इसके स्ट्रेटनिंग रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी शाइनी बाउंसी बाल हो गए हैं, बिल्कुल भी फ्रिज नहीं है बालों में। बालों का टेक्सचर स्ट्रेटनिंग के बाद सिल्की स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गया है। सो हियर आर द फाइनल रिजल्ट्स, इसके स्ट्रेटनिंग रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रेटनिंग के हवाले से ये बहुत अच्छा है। इसके जो प्रॉब्लम्स थे वो मैंने आप लोगों को साथ साथ वीडियो में बता दिए हैं और रिकमेंडेशन मेरी आप लोगों पर डिपेंड करती है। अगर तो आप लोग इसके सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैनेज कर सकते हो सो स्ट्रेटनर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को इसके कर्ल्स करके दिखाऊंगी कि कर्लिंग के हिसाब से यह हमें कैसे रिजल्ट्स देता है। इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इससे स्ट्रेटनिंग के बाद बाल 2 days तक स्ट्रेट रहते हैं अगर आप उनको वॉश नहीं करते। वॉश करने के बाद बाल डेफिनेटली अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको कर्ल करके दिखा रही हूँ एंड लेट्स चेक इट आउट कि ये हमें कर्लिंग के कैसे रिजल्ट्स देता है। As you can see, first time की try पर कुछ satisfactory results नहीं है curling में। So मेरे ख्याल में मैंने बाल ज़्यादा ले लिए थे तो अब मैं थोड़े बाल लेकर एक लट लेकर मैं उसको curl करने वाली हूँ। So let's check it out। लो भाई, बाल जलने को आ जाते हैं बट कर्ल उस तरह से नहीं होता जिस तरह के इसके डेमोज में हमें दिखाए जाते हैं और मुझसे तो बिल्कुल नहीं हुआ वैसा कर्ल। स्ट्रेटनिंग के हिसाब से दिस इज़ अ बेस्टेस्ट ऑप्शन बट कर्लिंग के हिसाब से रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।